इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के रीवा आगमन में एसएफ मैदान पर एक बड़ी जनसभा आयोजित हुई। यहां पर सिमरिया प्रत्याशी पंकज सिंह ने किस तरीके से अपने लिए वोट मांगा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के संगठन, जिला के संगठन, जोन के संगठन एवं आदरणीय बहन जी के इस कार्यकर्ता पदाधिकारियों के समर्थन के आधार में, मांग के आधार में जो तीसरी बार मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, मैं सबसे पहले बहन जी को यहीं से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, मैं पिछड़े वर्ग से अपील करता हूं कि देखिए, ये जो रिजर्वेशन की बात आती है, भागीदारी की बात आती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मनोहर कांसीराम साहब ने अपने जीवन काल में भागीदारी देने का काम किया। आज मैं ये बताना चाहूंगा, पिछड़ा वर्ग जो बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा है, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग की आबादी 52% हुई, 52% आबादी के विरुद्ध अभी हमारे को 27% आरक्षण मिल रहा है, भागीदारी 27% आरक्षण जो मिल रहा है, ये जो है बीजेपी और कांग्रेस की देन नहीं है बल्कि मानव कांसीराम साहब की देन है। जब मानव कांसीराम साहब ने 45 दिन वोट क्लब में अनशन प्रदर्शन करके बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन को लागू कराने का काम किया, तब उस समय तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष आडवाणी जी कमंडल यात्रा निकालकर पिछड़े वर्ग के हक अधिकार का विरोध किया। फिर कांग्रेस भी जो है उस समय नेता राजीव गांधी विपक्ष के थे, उन्होंने 3 घंटे पानी पी पी कर सदन में पिछड़े वर्ग के हक अधिकार का विरोध किया। मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, बीजेपी और कांग्रेस में पिछड़े वर्ग के हक अधिकार को देने के लिए ये रोड से लेकर सदन तक विरोध किया, क्या ऐसी परिस्थिति में पिछड़े वर्ग को बीजेपी और कांग्रेस को वोट देना चाहिए कि नहीं, ये निर्णय आपको लेना है। ये निर्णय लेने की घड़ी 17 नवंबर को है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि यदि रिजर्वेशन की बात हुई है, जो रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ये जो है बहुजन समाज पार्टी की देन है। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।